भारत के खिलाफ सीरीज से पहले न्यूजीलैंड टीम को करारा झटका लगा है। तेज गेंदबाज टिम साउदी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर मैट हेनरी को टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान गेंदबाजी करते हुए साउदी को अगले पैर में दर्द हुआ। स्कैन के दौरान पता चला कि उनके बाएं पैर के टखने के लिगमेंट में स्ट्रेन है। 27 वर्षीय तेज गेंदबाज साउदी ने 52 टेस्ट मैचों में 177 विकेट लिए हैं। साउदी न्यूजीलैंड जाकर आराम करेंगे। उम्मीद है कि वो वनडे सीरीज से पहले फिट हो जाएंगे। कीवी टीम के कोच माइक हेसन ने कहा, टीम इस दौरे के लिए कड़ी तैयारी कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि 3 टेस्ट मैचों से बाहर होने पर उन्हें काफी दुख हुआ है। हमारा ध्यान अब टीम को 7 से 10 दिन का आराम देने का है, ताकि वो फिर से धीरे धीरे गेंदबाजी करना शुरू कर सकें और वनडे सीरीज में फिट होकर वापसी कर सकें। हमारे पास मैट हेनरी के रूप में रिप्लेसमेंट मौजूद है, वो पहले टेस्ट मैच से पहले टीम के साथ जुड़ जाएंगे। 24 वर्षीय हेनरी ने पिछले साल लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अभी तक केवल 3 टेस्ट मैच खेले हैं। मैट ने फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्राइस्टचर्च में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। NMF न्यूज की रिपोर्ट।